आमतौर पर देखा जाता है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे ठंडे पानी की मांग बढ़ती जाती है। हर कोई गर्मी से बेहाल हो जाता है, ऐसे में अगर ठंडा पानी मिल जाए तो अमृत से कम नहीं होगा। अमीर वर्ग के लोग जहां फ्रिज के ठंडे पानी से अपनी प्यास बुझाते हैं, वहीं सामान्य वर्ग के लोगों के लिए पानी का मटका एक वरदान से कम साबित नहीं होगा। इसका पानी हर वक्त ठंडा रहता है, जहां फ्रिज का पानी गला खराब करता है, वहीं मटके का पानी गले को ठीक करता है। ये ठंडे पानी का एक सस्ता और बेहतर साधन है। लोगों का कहना है कि बड़े बुजुर्ग भी मटके का प्रयोग करते थे, लेकिन आजकल फ्रिज का प्रयोग होने से लोगों का रुझान मटके की तरफ कम हो गया है। मटके का पानी शरीर के लिए अच्छा होता है, तंदुरुस्त होता है और बाकी इससे कोई बीमारी नहीं लगती और एक इसमें कीटाणु वगैरह बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं। बाकी डॉक्टर्स वगैरह भी मटके का पानी पीने की सलाह देता है ताकि इसी से ही बीपी वगैरह लेवल में रहता है, ना ज़्यादा बढ़ता है ना ज़्यादा कम होता है। बस यही कहना चाहूँगा। फ्रिज के पानी में और इसमें क्या अंतर होता है? फ्रिज के पानी में ये होता है कि फ्रिज के पानी में आजकल मौसम बदल रहा है, फ्रिज का पानी सेहत के लिए अच्छा नहीं है और मटके का पानी शरीर के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मौसम के अकॉर्डिंग मटके का पानी पीना ही अच्छा है फिलहाल तो। वहीं करनाल सिविल सर्जन की माने तो मटके का पानी स्वास्थ्य के लिए काफी उत्तम है। मटके के पानी की कूलिंग कुदरती होती है। मटके में जो कुछ छोटे छोटे छिद्र होते हैं उससे पानी ठंडा रहता है, जो बेहतर होता है। प्लास्टिक की बोतल में पानी भरकर अगर हम कार या गर्मी में रख देते हैं तो उसमें थोड़ी सी भी प्लास्टिक की मात्रा मिल जाए तो वह नुकसान देता है। प्लास्टिक की बोतल के पानी का लंबे समय तक प्रयोग करने से कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा होता है और दिमाग पर असर पड़ता है। गर्मी में मटके का पानी ज्यादा फायदेमंद है। मटके का पानी जो हम ताजा पानी भर के रखते हैं मटकों में, वो अच्छा पानी माना जाता है। कारण कि जो उसकी जो कूलिंग है, जो ठंडा होता है, वो कुदरती तौर पे होता है। उसमें जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं मटके के अंदर, जिससे पानी थोड़ा बहुत बाहर रिसता है और वो इवेपोरेट होके उससे कूलिंग होती है, तो वो पानी कुदरती तौर पे ठंडा होता है। और जो फ्रिज का पानी है उसको हम टेम्परेचर डाउन करके उसको ठंडा करते हैं। तो मटके का पानी जो है ना, हम जो है ना बेहतर मानते हैं, कि जो उसके कंपेरिजन में कि जो फ्रिज का पानी है जो बहुत ज़्यादा ठंडा है, चिल्ड है, वो उससे जो ना गले खराब होने के चांस होते हैं, जबकि मटके में ऐसा देखने में नहीं आता। तो सर, मटके के पानी में कई पुराने बुजुर्ग भी मानते हैं कि इसको पीने से जो बीमारियां नहीं आती है और बीमारियों से भी थोड़ा अच्छा रहता है गर्मी के दिनों में। हाँ, क्योंकि जो हमें शरीर को जो जितना पानी का टेम्परेचर चाहिए वो उसके मटके के पानी में मिल जाता है। हमें जो पानी का जो टेम्परेचर है वो कम से कम 15-20 डिग्री के बीच में चाहिए, वो मटके के पानी में मिल जाता है। जो मटका जो पानी हम स्टोर करके रखते हैं, इवेपोरेशन होती है, पानी ठंडा होता है उसमें, वो उसका जो टेम्परेचर है वो है जो हमें ज़रूरत है। जो फ्रिज में जो ठंडा होता है वो 10-12 डिग्री टेम्परेचर होता है आमतौर पर, या उससे भी कम होता है, और उससे जो है ना तकलीफ गले की हो सकती है। कई बार जो है ना आदमी बाहर से आता है और एकदम ठंडा पानी पिएगा तो गला खराब हो सकता है, जुकाम खांसी जैसी तकलीफ हो सकती है। तो सर, एक बोतल बता रहे थे, बोतल का जो रखते हैं पानी प्लास्टिक, उसका क्या? इसमें जो प्लास्टिक की बोतल्स हैं वो साइंटिफिकली जो है ना वो कम यूज करनी चाहिए, रादर ना करें तो अच्छा है। क्योंकि जो प्लास्टिक की बोतल्स में जो पानी हम रखते हैं उसमें कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा भी प्लास्टिक हमारे शरीर में जाता है तो वो नुकसानदेह है।